क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश से फरार सिकलीकर गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिकलीकर गैंग के 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश के एक लॉज से गिरफ्तार किया है। इस गैंग पर अग्निशस्त्र तस्करी के साथ ही शहर के विविध पुलिस थाने में मामले दर्ज है। आरोपियों में राजपाल सिंह, ज्योति सिंह बडोले, नरेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह बाबरी और दिलीप सिंह, कैलाश सिंह बरनाला शामिल हैं। पुलिस आरोपियों के पास से 2 दुपहिया वाहन, दुकान के टॉप कैमरा, 1 मोबाइल और 1020 रूपए कैश सहित 107020 रूपए का माल जब्त किया है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। कल दिनांक 5 ऑगस्ट 2024 रोजी घरफोड़ी विरोधी पथक गुन्हे शाखा यांना गुप्त माहितीवरून तसेच तांत्रिक तपासावरून 3 आरोपी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले। तिन्ही आरोपी हे सिकलीकर कम्युनिटीचे असून त्यांच्यावर अग्निशस्त्र तसेच चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत। तिन्ही आरोपी हे मध्य प्रदेश येथील बडवानी जिल्ह्यातील असून त्या ठिकाणी ते अग्निशस्त्राच्या बरेच गुन्ह्यामध्ये फरार आहेत। त्याशिवाय त्यांना NIA सुद्धा अग्निशस्त्र संबंधाने विचारपूस करणार आहेत। सदर आरोपी हे नागपूर शहरात एका लॉजमध्ये थांबलेले होते, 5 दिवसापासून थांबलेले होते। त्याशिवाय त्यांनी 5 दिवसामध्ये 5 ते 6 ठिकाणी घरफोडी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तिन्ही आरोपीकडून 3 मोटरसायकल जप्त करण्यात आलेली आहे, 2 गुन्हे निष्पन्न झालेले आहेत। पुढील तपास सोनेगाव पोलीस स्टेशन करीत आहे। तिन्ही आरोपितांपैकी पहिल्या आरोपीचं नाव आहे राजपाल सिंग, दुसरा नरेंद्र सिंग आणि दीपक सिंग। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉर्पोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।